हेलो माय यूट्यूब फैमिली, खम्बा गनीशा, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम लोग आए हैं कोडम डेशर के भैरव बाबा के मंदिर में, जो कि राजस्थान का बहुत फेमस मंदिर है। तो यहाँ हम लोग प्रसाद ले रहे हैं, प्रसाद लेके हम लोग मंदिर के अंदर चलेंगे। और चलिए, भैरव बाबा को काल भैरव भी कहा जाता है क्योंकि ये सबके काल हरते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए मंदिर के अंदर चल के आपको मंदिर का अंदर का रहस्य बताएंगे कि मंदिर का अंदर का रहस्य क्या है। हर मंदिर का एक रहस्य होता है, ये इस मंदिर का भी एक बहुत बड़ा रहस्य है, तो आपको आगे रहस्य जानने को मिलेगा। तो ये है मंदिर का एंट्रेंस। गाइस, कभी भी मंदिर आप आएँ तो अच्छे से माता जी आगे चल, बहुत अंदर को हाँ दीक्षा जी, पता नहीं कैसे पूजा करते हैं। वहाँ सामने आएंगे, एक एक करके पूजा करेंगे। बस ठीक। हम एक परिक्रमा लगा कह रहे थे, पूजा कर लेंगे दोनों मिलकर। अच्छा, बहुत बढ़िया। एक परिक्रमा लगा लेते बस। फ्रेंड, जैसा आप देख सकते हैं, अभी हम लोग भैरवनाथ जी के मंदिर में आए हैं। संडे के दिन अगर आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा रहती है, और उनमें श्रद्धालुओं में जो उमंग आप देख पा रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी ज़्यादा उत्साह के साथ लोग यहाँ पे आते हैं अपनी मनोकामनाओं को लेकर और अपनी को लेकर। तो आइए, पहले आपको एक बार हम सामने लेके चलते हैं जहाँ से पूजा स्टार्ट होती है। फिर आप लगा लो।
एक बार देखा रहा है सिल्वर पेपर क्यों चिपकाता है सिल्वर पेपर हाय आओ दीक्षु आओ वॉक करो वहाँ वॉक करो काफी अच्छा लग रहा ना अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करते रहिए तो ब्लॉग अच्छा बनते रहता है बहुत अच्छा लग रहा है इतने दिन रहे पर पता नहीं था अचानक से पता चला कि चलो चलते हैं घूम के आते हैं ना फ्रेंड्स यहाँ पे एक तालाब भी है जहाँ लोग आए हैं मछलियों को दाना देने के लिए तो गाइस यहाँ पे मान्यता ये है मछली को काजू खिलाई जाती है तो अगर आप भी पहले से प्लानिंग करके अगर हमारा वीडियो देख के आप आ रहे हैं तो मछलियों के लिए दाना लेके जरूर आएँ या तो काजू लेकर आएँ देखिए ये मछलियों के लिए दाना बच्चे बाबू बेच रही है मछली का दाना इधर देखा बाबू को दिखाओ आइए हम आपको दिखाते हैं जैसा बाबू लोग देखिए मछलियों का दाना बेच रहे हैं कितने का 10 रुपये का है बेच रहे हैं तो देख सकते हैं नीचे में ठीक तो दीक्षु जी है जो है मछली के लिए दाना ले रही हैं बट अगर आप अपने घर से आए तो दाना ज़रूर लेके आए नहीं तो फिर आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ख़रीदना पड़ेगा तो आइए बाबू से भी आपको मिलवाते हैं और जानते हैं बाबू से यहाँ का कहानी तो यहाँ पे मछलियों का दाना बन रहा है ये किस चीज़ का बन रहा है ये किस चीज़ का बनता है आटे का अच्छा आटे का बना रहे हैं अच्छा अच्छा बाजरे के आटे का बन रहा है देख सकते हैं आप बाबू देखे पैसे मांग रहे हैं नहीं बाबू गलत बात पैसे मांग रहे हैं वहीं पे दे देंगे तो यहाँ पे अगर आप आते हो तो ये छोटा सा तालाब है इसमें मछली भी है और दीक्षु लोग सब लोग दाना दे चुके हैं तो कैसा लग रहा है दीक्षु दाना देने के बाद अच्छा लग रहा है बट नेक्स्ट टाइम आएंगे तो अपना खुद का दाना लेके आएंगे हाँ हाँ क्योंकि अभी जो है काफ़ी ज़्यादा कम और थोड़ा थोड़ा दाना था बट अच्छा लगा हम लोगों को तो चलिए अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे हम लोग हम तो ऊपर जाएंगे देखो ठीक यहाँ से भी अच्छा बनेगा हाँ 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 हम दिखा रहे हैं उसको भी दिखा रहे हैं मोर को भी दिखा रहे हैं हाँ उस तरफ भी जा सकते हैं ठीक तालाब के नीचे ही एक बगल में एक और मंदिर है यहाँ पे भी लोग आते हैं अपने श्रद्धालु अपना ये करने के लिए ऊपर में ठीक देखिए क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखेंगे
वहाँ पे लिखा था हे त्रिलोक, देखिए लग गया इसमें सिंदूर। अच्छा अच्छा, तो चलिए कोई नहीं, फोन भी पवित्र हो गया है हमारा। चलिए तो फ्रेंड, पूजा बहुत ही आराम से हमने श्रद्धालुओं के साथ, काफ़ी श्रद्धालु आए थे। अगर आप संडे को आओगे ना तो संडे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहता है और श्रद्धालु काफ़ी ज़्यादा आते हैं, जोश के साथ आते हैं और बाबा जी के दर्शन के लिए आते हैं। तो चलिए दीक्षा से पूछते हैं, नहीं हर दिन ही, संडे काफ़ी ज़्यादा स्पेशल भीड़ रहता है। तो ब्लॉग को अभी हम यहीं पे एंड करेंगे, दीक्षु जी से पूछ लेते हैं, दीक्षु जी अब ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे। ले जी बात कर लीजिए, शरमाइए नहीं, बोलते रहिए। हाँ शरमाइए नहीं, बोलते रहिए, ज़्यादा बिल्कुल नहीं बोल रहा है। हाँ अभी मैं दीक्षु के साथ कहीं भी घूमने जाता हूँ, लोग दीक्षु को इस तरह से देखते हैं ना, लगता है कोई एलियन नहीं, लगता कोई सेलिब्रिटी आ गई है या तो कोई सीरियल की हीरोइन या तो कोई मूवी की हीरोइन आ गई है, जिसके वजह से लोग आके देखते हैं। तो बस दीक्षु को वो क्या है ना, काफ़ी ज़्यादा ऑड लगता है। और देखिए दीक्षु अभी फिर से डांट रही है। तो चलिए गाइस ब्लॉग को यहीं पेंट करते हैं। प्रसाद में पता है आपको क्या चढ़ता है, कचौड़ी, और भैरव बाबा को दारू भी चढ़ता है, आपको तो पता है। तो हम लोग एनिवर्सरी में आएंगे और एनिवर्सरी में एक बोतल बियर लेकर के आएंगे और मछलियों के लिए घर से दाना बना के लाएंगे, और एनिवर्सरी में यहीं पर सबसे पहले बाबा के पास अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे। चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं, जरूर आपकी सारी विशेष पूरी हो, हम ये भगवान से मनोकामना करते हैं। तो बाय गाइस। गाइज एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, अगर आप अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और कुछ भी आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा है, तो आप भैरव बाबा जी के पास आइए, मन से पूजा कीजिए, आपके सारे काल को वो हर लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि वो सारे आपके काल को हर लेते हैं। पता है फ्रेंड्स, मैं मेरा तबीयत ठीक नहीं है, काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, पर मुँह के अंदर गुजार दीजिए और ये दोनों लोग का तबीयत एकदम ठीक है, फिर भी मैंने सुबह से काम किया सब कुछ किया, फिर भी मैं इतना एक्टिव हो गया, यहाँ आने के लिए रेडी हो गई, और ये लोग दोनों सोए हुए कैसे करते हैं। तो चलिए गाइस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय काल बाबा की जय।